इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, इस वीडियो में आपको काफी नेगेटिव चीजें देखने को मिलेगी, एज इन कि मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था सिक्किम में, एंड आई रियली वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं आपके सामने एग्जैक्टली प्रेजेंट करना चाहती हूँ, ताकि कल को अगर आप नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको ये डिफिकल्टीज, ये चैलेंजेस ना फेस करना पड़े, आप ऑलरेडी इन सबसे अवेयर हो। तो इन केस यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू नॉर्थ सिक्किम, रिगार्डलेस ऑफ कि अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं या फैमिली के साथ ट्रिप करते हैं या अगर आप एक कपल हैं, आपके लिए हर चीज, हर पॉइंट बहुत ही वैलिड होगा। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक वॉच करना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज हीना भाटिया, एंड गाइस स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम। सो एज यू गाइस हैव सीन इन द लास्ट वीडियो कि मैं कोलकाता से डायरेक्ट सिक्किम गैंगटॉक कैसे पहुंची, जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बेस्ट से बेस्ट तरीके बताया है कि अगर आप कोलकाता से या फिर सिलीगुड़ी से यहाँ गैंगटॉक पहुंच रहे हो तो कैसे पहुंचा जाए, एंड स्पेशली इन बजट कैसे पहुंचा जाए। इस वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मेरा आज का क्या प्लान है, हेडिंग टूवर्ड्स लाचेन, लाचुंग, युमथांग वैली, इन जगहों पे, एंड बेसिकली मैं नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, एंड दिस इज माई सेकेंड डे इन गैंगटॉक, एंड आज से ये पूरा टूर स्टार्ट हो रहा है। 3 days 2 nights का ये टूर रहेगा पूरा, एंड इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो, बजट ट्रैवल करते हो, या फिर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी घूमते हो, सो गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप कैसे किया जाए, कितने में होगा, क्या खर्चा होगा, कहाँ रहना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो मेरी ये वाली वीडियो एंड तक वॉच करना, आने वाले 2 videos को भी देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बस फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया दो। तो बस फिर बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो नॉर्थ सिक्किम में मेजरली जो टूरिस्ट एक्सप्लोर करते हैं 2 से 3 days में वो है लाचेन, लाचुंग एंड युमथांग वैली। अब इसको एक्सप्लोर करने का सबसे सही तरीका है कैब और टैक्सी। आप प्राइवेट टैक्सी एंड शेयरिंग टैक्सी दोनों यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी के फेयर्स बहुत ही ज़्यादा है, कुछ ये 3 days 2 night के ट्रिप के लिए आपका जो यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप के लिए प्राइवेट टैक्सी के फेयर्स है वो अराउंड 30,000 है। यस, सिर्फ ये 3 दिन के लिए अराउंड 30,000, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। लेकिन जो मेरे जैसे सोलो एंड बजट ट्रैवलर है तो उनके लिए यहाँ पे गैंगटॉक में एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है शेयरिंग टैक्सी का, जिसमें पूरा नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप कवर हो जाएगा। उसके क्या फेयर्स है, क्या डिटेल्स है, मैंने किस तरह किया, पहले आप वो जानिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। पता कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये 3 days and 2 nights का ट्रिप है, तो मैंने शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन ही ऑप्ट करा है, एंड टोटल ये ट्रिप मुझे पड़ा है कुछ 5,000 का। 5,000 का इसलिए इन शेयरिंग क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो अदरवाइज नॉर्मली इनके रेट शेयरिंग टैक्सी के फ्रॉम गैंगटॉक टू नॉर्थ सिक्किम की सारी जगह जो मैंने आपको गिनवाई उसके रहते हैं अराउंड 3,500 to 4,000, मतलब 4,000 तक तो आपको ईजिली शेयरिंग में एक सीट मिल जाती है, पूरा के टूर मिल जाता है, जिसमें 4,000 में आपका ट्रांसपोर्ट, आपका फूड एंड आपका स्टे सब इंक्लूडेड होगा। बट अभी क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है तो थोड़े रेट्स हाई चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका ये सीजन टाइम है, तो मुझे 5,000 में पूरा ये टूर मिला है 3 दिन का, इंक्लूडिंग फूड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टे। मैं आइटनरी क्या रहेगी वो मैं आपको स्क्रीन पर पूरी दिखा रही हूँ, एंड आगे आप वीडियो में देखेंगे इन डिटेल कि कहाँ स्टे करा, कैसे करा। बट फिलहाल आज का प्लान है, आज day 1 है, तो वी आर गोइंग टू लाचेन, तो लाचेन हमारा आज का स्टे रहेगा। सो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड टू सी देयर सर्विसेज ऑल्सो कि क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे वो होटल रूम दे रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का होगा, आई रियली वॉन्ट टू सी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो शेयरिंग टैक्सी वाला पूरा ये टूर है वो बुक कहाँ से किया। बेसिकली गैंगटॉक में ये जो फैसिलिटी है वो बहुत ही कॉमन है शेयरिंग टैक्सी वाली, एंड आपको मैंने क्या किया था मैं वो बताती हूँ कि मैं गई थी वाजरा बस स्टैंड, जहाँ से नॉर्थ सिक्किम के लिए ये शेयरिंग टैक्सी ऑपरेट होती है। बेसिकली वाजरा बस स्टैंड इज द मेन हॉटस्पॉट, तो वहां पे जाकर अब यहाँ पे देखिए ये टूर बुक करने
करने के दो तरीके हैं। तो मैं चली जाती किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जिससे एक पूरा पैकेज ले लेती। अब ट्रैवल एजेंसी क्या करती है कि उनका ये पूरे टूर में कुछ ना कुछ कमीशन होता ही है। तो इसका अल्टरनेटिव जो मैंने चूज किया था वो ये था कि मैं डायरेक्ट बाजरा बस स्टैंड पे जाऊंगी, ड्राइवर से कॉन्टेक्ट करूंगी, बात करूंगी। अगर आपके पास और भी पैसेंजर्स है एंड और भी सोलो ट्रैवलर्स है या फिर आपकी पूरी बेसिकली एक टैक्सी में एक सीट खाली है तो क्या आप मेरे को भी एडजस्ट कर सकते हैं सिंस मैं अकेली हूं। तो मैंने कुछ ऐसे ही किया था। एक दिन पहले मेरे ट्रिप स्टार्ट होने के एक दिन पहले मैं शाम के टाइम बाजरा बस स्टैंड चली गई थी। वहां पर जो ड्राइवर से उनसे बात करी कि ऐसे मैं अकेली हूँ, नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप करना चाहती हूँ। फाइनली एक ड्राइवर ने मुझे कहा कि ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, आप आ जाना कल सेम इसी बाजरा बस स्टैंड पे, 10 बजे हमारी टैक्सी निकलेगी एंड आपके लिए हम सीट अरेंज कर देंगे। 5000 प्राइस पूरा डिसाइड हुआ था एक दिन पहले जिसमें ड्राइवर से बात करके आई थी। अब यहाँ पे इतना ज्यादा मेस्ड अप हुई सिचुएशन कि अगले दिन जब मैं 10 बजे घर आऊंगी, वहां जाके पहली बात तो 10 बजे तो कोई टैक्सी थी ही नहीं, एंड आधा घंटा एक घंटा वेट करा, दो घंटा वेट करा। जिस ड्राइवर से मैंने अपना ये पूरा टूर बुक किया हुआ था उसे कॉन्टेक्ट कर रही हूँ कि आप कहाँ पर हो, उस दिन मेरे को पता चलता है कि वो ड्राइवर तो एक्चुअली हमें लेकर ही नहीं जाएगा, उसने मेरी बुकिंग किसी और को आगे फॉरवर्ड कर दी है। वो कहता कि मैं तो नहीं जाऊंगा ट्रिप कराने के लिए, आपको जो आपको लेके जाएगा मैं उसका नंबर आपको फॉरवर्ड करता हूँ। बाय द वे मैंने एडवांस पेमेंट कर दी थी एक दिन पहले ही, 5000 में से मैंने 1500 उसी ड्राइवर को पे करे थे जिससे मैंने बात की थी, एंड उसी ड्राइवर ने मेरी बुकिंग पता नहीं आगे किस ड्राइवर को फॉरवर्ड करी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। से मैंने पूरा ट्रिप बुक किया था दैट फर्स्ट ड्राइवर, उससे बात हुई थी 3 डेज की एंड 2 नाइट्स की, लाचिन, लाचुंग, युमथांग वैली, ये पूरा 3 दिन का जो मैं आपको आइटनरी दिखा रही हूँ। तो इसका था प्राइस 5000। जिस दिन ट्रिप स्टार्ट होना था जिस ड्राइवर ने जिसको मेरी बुकिंग फॉरवर्ड की थी वो आगे कहता है कि आपका जो ट्रिप है जिस ड्राइवर से आपने बात करी हुई है उसने मेरे को फॉरवर्ड की है 2 डेज 1 नाइट की आइटनरी एंड उसका प्राइस 5000 कोट किया गया है। ये पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो भी हुआ कि ये उस ड्राइवर को भी पता है कि मैंने जो बात कर रखी है वो 3 डेज 2 नाइट्स की करी है, एंड वो जो 5000 सेकंड ड्राइवर प्राइस कोट कर रहा था वो सिर्फ 2 डेज 1 नाइट का कर रहा था। एंड अगर वो कहता कि अगर आपको अब वहां जाना है, अपना ये ट्रिप 3 डेज का करना है तो आपका प्राइस 8000 होगा कम से कम। फर्स्ट पर्सन था उससे बात करी कि आपने जिसको भी मेरी बुकिंग फॉरवर्ड करी है ये सिचुएशन ना देखी। मैं जब 5000 में 3 डेज वाला ट्रिप बुक करके ऑलरेडी एक दिन पहले एडवांस पेमेंट करके कर चुकी हूँ ऑलरेडी ये चीजें, तो जिस दिन ट्रिप स्टार्ट होना है उस दिन ये सब क्यों हो रहा है। इस ड्राइवर को भी पता है, पहले वाले ड्राइवर को, कि मेरा ट्रिप 3 डेज का था। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपने पूरा डेज एडवांस पेमेंट कितनी फी करी है, सब कुछ मेरे पास रिटर्न में था सब कुछ। तो पहला ड्राइवर कहता कि मैंने तो मैम आपकी जो बुकिंग फॉरवर्ड की थी वो 3 डेज के लिए की थी जिसमें सब इंक्लूड होगा, लेकिन उसने पता नहीं क्या सुना, किसकी गलती है यहाँ पे, किसकी तरफ से मिसकम्युनिकेशन हुआ, मुझे गुरु दोंगमार लेक देखनी थी, मुझे युमथांग वैली देखनी थी, तो उसके लिए मुझे 3 डेज वाला ट्रिप ही चाहिए था, 3 डेज वाली ही शेयरिंग टैक्सी में अपने लिए एक सीट चाहिए थी। काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, 5000 में तो वो मुझे लेके ही नहीं जा रहे थे। वो कहते कि आप मत जाओ इससे अच्छा। आई वॉज लाइक मैं ऑफिस की छुट्टी लेके आई हूँ, जिनको नहीं पता आई एम वर्किंग, तो मैं अपने फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब के साथ ट्रैवल मैनेज करती हूँ, मोस्टली मैं वीकेंड्स पे ट्रैवल करती हूँ या छुट्टी लेकर। मेरे लिए एक एक दिन बहुत कीमती है। मैंने कहा आई कांट वेस्ट माई डे फॉर दिस स्टूपिड थिंग जो आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुई है। सो वो कहते ठीक है हमें और पे कीजिए, आप 8000 जो मांग रहे थे हम ले जाएंगे आपको। आई वॉज लाइक 8000 तो ये क्योंकि आई वॉज नॉट इवन मेंटली प्रिपेयर टू गिव 3000 एक्स्ट्रा ऑन दैट स्पॉट। मेरे को तो था कि 5000 में मेरा पूरा 3 दिन का ट्रिप कम्प्लीट हुआ है, एंड नॉर्मली गाइस इसका रेट 3500-4000 तक चलो नॉर्मल डेज पे रहता ही है, तो मैं 50% ज़्यादा पे करूँ जस्ट बिकॉज की फेस्टिव सीजन है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट 50% मोर पे करना डजेंट मेक एनी सेंस टू मी। सो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद, बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स के बाद इनफैक्ट वो मेरा प्राइस 6000 पे आके मानते हैं, कहते कि ठीक है 6000 पे कीजिए हम आपको लेके जाएंगे। स्टिल फाइन कि चलो ठीक है इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है तुम लेके चलो, बट ये चीज़ गलत है। ऑलरेडी बात हुई है जिस चीज़ की, ऑलरेडी एडवांस पेमेंट हुई है, आप जिस दिन वो ट्रिप स्टार्ट होना है उस दिन आके ये नहीं बोल सकते हमें और पे करो, हम तो तभी लेके चलेंगे आपको। तो इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट वट एवर सो। एक तो वहां के लोग बात ढंग से नहीं करते हैं, दे वॉन्ट इवन सी कि आप लड़की हो, सिंगल लड़की हो, सोलो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो,
नॉर्मली जितना मेरा अब तक का सोलो ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहा है अक्रॉस इंडिया काफी अच्छा रहा है. आप जिस तरह बात कर रहे थे इट वॉज वेरी बैड. आई डोंट वॉन्ट टू यूज सच बैड वर्ड्स बट इट वॉज पथेटिक कि मेरे सिक्किम के ट्रिप को खत्म हुए जिस दिन अभी मैं पूरी क्लिप शूट कर रही हूँ और देन मंथ हो चुका है बट अभी तक वो बैड एक्सपीरियंस मेरे माइंड में घूम रहा है कि मेरा अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है. ये कमेंट 1 बजे जाकर हमारी टैक्सी डिपार्ट करती है फ्रॉम द बाजरा बस स्टैंड. अब आप सोचेंगे कि 1 बजे क्यों. 1 बजे इसलिए क्योंकि जिस ड्राइवर के साथ हमें जाना था वो ड्राइवर था ही नहीं. इतनी अब वो क्यों नहीं था इसका रीजन किसी को नहीं पता. जो बाकी पैसेंजर्स उस शेयरिंग टैक्सी में जाने वाले थे जो अपना ट्रिप न्यू जलपाईगुड़ी से बुक करके आए थे सिलीगुड़ी से बुक करके आए थे सब खड़े हैं वहां पर 10 बजे का वेट कर रहे हैं कि हमारा ट्रिप 10 बजे स्टार्ट होना था हमने निकल जाना था लाचेन के लिए. 1 बजे जाके टैक्सी आती है एंड हम निकलते हैं एंड ड्राइवर क्यों लेट था क्या था नहीं पता. अब तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस. वैसे मैं अपने वर्स्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ कैमरा मेरे को नहीं पसंद बट आई थिंक ये शेयर करना बन पाते कमेंट दिस सो बट टू से नाउ. छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगी कि जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं जैसे कि मैं अकेली लड़की थी तो जो एकोमोडेशन है वो हमें इस पूरे पैकेज में जहां भी हम स्टे करेंगे लाचेन में लाचुंग में होटल की जो एकोमोडेशन रहेगी वो हमें सेपरेट रूम मिलेगा. मींस मेरी एकोमोडेशन शेयरिंग बेसिस पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं सिंगल लड़की हूँ एंड उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इनको 500 रुपीज. 6000 में 500 रुपीज एक्स्ट्रा उस चीज के है तो मैंने वो ऑलरेडी पे करे हुए थे कि ठीक है मैं अकेली हूँ. अब मेरे को नहीं पता कि शेयरिंग टैक्सी में और कितनी फेमस होगी कोई और सोलो ट्रैवलर होगी या नहीं होगी ये हमें नहीं पता. तो इसमें वो खुद ही कहते हैं कि ठीक है आप अकेले हो बिल्कुल आपको एक सेपरेट होटल रूम हम देंगे उसके लिए आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है एंड आपकी अकोमोडेशन विल बी सेपरेट. सो आई वॉज सपोज टू गेट सेपरेट रूम. अभी हम स्टे करेंगे जैसे आज का स्टे लाचेन में था तो वहां पे मेरे को सेपरेट रूम मिलना चाहिए था जो कि आप वीडियो में देखेंगे कि वहां जाके भी सिचुएशन कितनी वर्स्ट हुई. तो चलिए अभी तो हम डिपार्ट कर चुके हैं कुछ 1:30 बज रहे थे आफ्टरनून के जब हम निकले थे बेसिकली गैंगटॉक से लाचेन के लिए जो कि कम से कम 6-7 घंटे की जर्नी तो थी तो हम रात को ही पहुंचेंगे ये बात तो पूरी पक्की थी. खड़ी है टैक्सी एंड नाउ वी आर ऑन आर वे टू लाचेन. जैसे आपको पता है कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर आपको सिनेरियो कि 1 बज गया था आते चलते चलते अभी टाइम बताऊँ तो कुछ 2:30 बज रहे हैं एंड बहुत लेट है गाइस. हम अभी तो बल्कि लंच का टाइम था आज का लंच भी पूरे टूर पैकेज में इंक्लूडेड था तो लंच तो अभी भूल जाओ पता नहीं कब मिलेगा एंड आई एम रियली हंग्री एंड अभी यहाँ पे जो साइट सीइंग आती है टूवर्ड्स लाचेन वो भी इंक्लूडेड है डेफिनेटली. तो सबसे पहले जो स्टॉप है हमारा वो है बटरफ्लाई वाटरफॉल पे. मेरे पीछे ही है वो वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको फिर करते हैं आगे. शेयरिंग में पूरा ट्रैवल कर रहे हो तो यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर द सीट्स क्योंकि सब 10 जने हैं पूरी टैक्सी में तो सब लड़ेंगे कि हमें आगे बैठना है हमें विंडो साइड बैठना है हमें पीछे नहीं बैठना चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है लड़की है लड़का है नो मैटर वॉट सब लड़ेंगे. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रोटेशन करते हुए सबको एडजस्ट करना पड़ेगा. फिलहाल तो मैं आगे बैठी हूँ बट पीछे भी जाऊँगी तो ये चीज़ है
आई थिंक सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप फैमिली हो ना तो पूरी की पूरी टैक्सी बुक करके। दिक्कत आएगी सोलो ट्रैवलर्स को मेरी तरह जो कि आ रही है, बट ठीक है चलो चलते हैं आप। टाइम बताऊँ तो कुछ 4:15 हो रहे हैं, 4:15 बजे हमारा लंच हो रहा है। वेरी वेरी हंगरी अगेन, तो लेट्स हैव इट। आपको लेके जल्दी बोल रहा है, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। एंड अभी रास्ता 2 घंटे आई थिंक हमें और लगेंगे, तो 2 या 3 घंटे माइट से। भैया कितना रह गया अभी, कितनी दूर है अभी एग्जैक्टली? एग्जैक्टली अब 65 किलोमीटर, तो यार 2 घंटे तो और लग जाएंगे। तो आई थिंक अंधेरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है। काफ़ी कुछ मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, जिस तरह हम बैठे हैं टैक्सी में आपको दिखाती हूँ, पीछे फुल ये ऑक्यूपाइड टैक्सी है, फुल पैक्ड है। सो काफ़ी कुछ मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट रास्ते बहुत खूबसूरत है। हर एक पूरे ऐसे मोड पर वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स आ रहे हैं, अमेजिंग। जर्नी बहुत खूबसूरत है। तो अब थोड़ा ट्रिप के वाइब में वापस आ रही हूँ। आई होप कि आगे सब ठीक चलता रहे। खाते हैं अब खाना, हो गया। तो गाइस यहाँ पे अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि ये चपाती ही लेते, तो रिक्वेस्ट करिए रोटी के लिए। ये खा ली है, थाली में राइस पापड़ दाल, टेस्ट भी मैं करती हूँ, बट चपाती ये नहीं देते दे सर। लेकिन सो मेरे साथ जो और पैसेंजर्स थे, दे आर बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओनली, मेनली कोलकाता के सब लोग थे। सो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि हमें चपाती चाहिए खाने के लिए, एंड जो ड्राइवर था वो कहता कि हम यहाँ पे चपाती नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं चपाती मेरे को भी चाहिए, बिकॉज एक पूरी मील चपाती के बिना इज इनकम्प्लीट। तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट होने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे आपको चपाती दे रहे हैं, लेकिन आगे का जो आपका पूरा 3 दिन का ट्रिप है, किसी और मील में ये मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि आपको चपाती मिलेगी। सो गाइज आई जस्ट हैड लंच, इट वॉज गुड, होमली मील था पूरा। इट्स रेनिंग बाय द वे, अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। सब जब अपना खाना कम्प्लीट कर लेंगे हम स्टार्ट करेंगे एंड बच जाएंगे, रात हो जाएगी आराम से। लास्ट दिन पहुँचते पहुँचते आज मेरे लिए बिल्कुल ही एक नया रूट है ये, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक कि एक हल्का सा कनेक्शन है, मे बी बिकॉज ऑफ माउंटेंस। माउंटेंस लुक सो 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 प्रिटी, सो या एंजॉयिंग इट विद सम बिट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो। सो अराउंड 9 PM इन द नाइट हम पहुँचते हैं लाचेन। येस 9 बज गए हैं रात के, 9 बजे हम लाचेन पहुँचते हैं। इट्स 9 PM राइट नाउ, बहुत बहुत लेट हो गया। एंड अगर हम सुबह टाइम पे निकलते तो हम पहुँच जाते यहाँ पे 6 बजे तक, बट बहुत लेट हो गया। बट ठीक है, इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग, मतलब ये डे की एंडिंग आई एम सेइंग। अभी तो ट्रिप की शुरुआत होनी है हमारी, हमने गुरुदोंगमार लेक देखनी है। कल का डे बहुत एक्साइटिंग होगा। सो यहाँ पे मैं होटल के बाहर सोच रही थी कि चलो हैप्पी एंडिंग हुई, अब अंदर रूम में जाते हैं आराम करते हैं, लेकिन चेक इन के टाइम सुनिए क्या क्या होता है यहाँ पर। अभी हम लोग जैसे परिस्थिति है ना, फैक्ट बात बोल रहे हैं, सुबह से हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, 10 बजे का निकला हुआ होटल से,
अभी कितना बज रहा है? अगर 8 ही हुआ जी, नहीं आपको 40 बोल रहे हैं। नहीं नहीं आप लोग का गलती नहीं है, 10 आवर्स हम लोग सफर कर रहे हैं ना अभी ना, हम लोग का ऐसा परिस्थिति है हम लोग ठंड में रुक नहीं पा रहे। आप लोग जो भी लोग हैं ना, हम लोग एडजस्ट करने के लिए अभी हम लोग मजबूर है। वही बात है, हम लोग मजबूर है क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि ये पसंद नहीं है ये पसंद। 68 मैं वो नहीं कर सकती हूँ बाहर इतना दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि जिस होटल में हमारी बुकिंग थी वहाँ पे रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे, एंड जो होटल ओनर है वो कहती है कि मेरे पास बुकिंग आपकी शाम को 4 बजे आई है, एंड जिन्होंने आपकी बुकिंग दी है हमें दे आर नॉट लिसनिंग कि मेरे पास रूम्स ही अवेलेबल नहीं है, मैं आपको क्या दूँ। सो यहाँ पे भी हम इतनी ठंड में, या आप देख सकते हैं कि कैसा वेदर है, रात के 9-10 बज रहे हैं, हम सड़क पे अपना सामान लेके खड़े हैं कि हमें रूम चाहिए, एंड यहाँ पे रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर फिर कुछ टाइम वही आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद, एक तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, मेरे फ़ोन में तो जियो का सिम था एंड जियो का नेटवर्क यहाँ पे आते ही नहीं है, तो मैं तो किसी को कॉल कर क्या ही करती, तो और ऊपर से जिसको कॉल कर रहे थे वो तो कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे फिर हम क्या करते, मैंने तो देखा ड्राइवर की तरफ कि भाई हेल्प करो, सब बल्कि ड्राइवर की तरफ देख रहे थे कि एटलीस्ट आप ही हेल्प करो, वो तो ऊपर जाके खड़ा हो गया कार के ऊपर, इतना फनी सीन था, फनी तो नहीं कहूंगी, बहुत सबको इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम। ड्राइवर कहता है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि कोई, क्योंकि ऑफकोर्स 10 जने हैं, कोई कहीं से ट्रिप बुक करा के आया, कोई कहीं से बुक करा के आया, कोई कहीं से, एंड फिर उसके पास ड्राइवर कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ, आप जिससे बुकिंग करा के आए हैं उनसे आप बात कीजिए कि आपका रूम ही अवेलेबल नहीं है। सो इन शॉर्ट मेरे को पता लगता है कहीं ना कहीं दिन के एंड में कि ये कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंसी कोई है जिसके पास कहीं ना कहीं से बुकिंग आई है, मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ये पूरी चेन है काइंड ऑफ एक, जो समझ ही नहीं आ रहा, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इवेंचुअली बनता ये ऑपरेट कौन कर रहा है सब कुछ। इन्होंने एक ऐसी चेन बना रखी है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ये बुकिंग्स करी जा रहे हैं, एंड इवेंचुअली कोई मैनेज करने वाला ही नहीं है। तो ड्राइवर तो कहता है मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको रूम नहीं मिल रहा, आप देखिए आपकी हेडेक है। हम जिसको कॉल कर रहे हैं, मतलब मैं तो किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी, एंड किसी का फोन लेके मैंने कॉल करने की कोशिश करी जिससे मैंने बुकिंग की थी, फर्स्ट वाला ड्राइवर कोई उसका कॉल वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा था, एंड देन जो बाकी लोग थे ट्रिप कहीं ना कहीं से बुक करा के आए थे उन्होंने उनको कॉल करा, वो कहते हैं कि हम भी क्या करें, दे आर नॉट इवन लिसनिंग। आई एम रियली स्पीचलेस राइट नाउ, इतनी मतलब आप लोगों की, मतलब आप इंसानों को इंसानों की तरह तो ट्रीट करो यार, इट वॉज वर्स्ट, आई कैन से दैट। अच्छा तो अब आप पूछेंगे कि इवेंचुअली फिर हुआ क्या, तो 10-11 तो बज गए थे, एंड जो ओनर थी वो होटल की वो एक लड़की थी, शी वॉज नाइस। अब इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है बिकॉज उसको जो बुकिंग आई थी वो शाम को आई थी, एंड वो कहते कि मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पूरी बुक हो चुकी है, कोई रूम खाली नहीं है, तो मैं क्या करूँ। उसने फिर जो आसपास के होटल है, जो उसके नोन होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो भी है, किसी और होटल में जहाँ रूम खाली थे उसने हमें वहां पे एकोमोडेशन दे दी, मतलब वहां पे शिफ्ट करवा दिया। तो काफी टाइम लगा इन चीजों में। नाउ हियर आई वाज सपोज टू गेट द प्राइवेट रूम, तो इनिशियल बात तो मुझे ट्रीट ही नहीं कर रहे थे कि अकेली लड़की है क्या ही कर लेगी, एंड उनका सिंपली आंसर था देखिए हम आपको एकोमोडेशन के लिए मना नहीं कर रहे, आपकी एकोमोडेशन हम दे देंगे आपको, जैसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ओनर है, ओनर की वाइफ है, तो उसकी वाइफ का जो रूम होगा हम आपको वहां पर एडजस्ट कर देंगे, लिविंग रूम है, मतलब आपके ऊपर एक बेसिकली छत तो आई जाएगी, आपको सड़क पे नहीं सोना पड़ेगा, ये सीन था। अब उस मोमेंट पे माय ब्लड वाज बॉइलिंग, आई मीन कि पे करने के बाद भी आप इस तरह ट्रीट कर रहे हो कि आपके पास अगर, मतलब मैं वर्षों से कि आपके पास अगर बुकिंग नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं हम छत तो दे ही देंगे, जबकि मैंने उसके लिए पेमेंट करी है, उसमें अकोमोडेशन इंक्लूडेड है, आपको रूम देना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है ये, बट नहीं, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं था, एंड वो कहते कि सड़क पे, अब ऑफकोर्स हम भी ये सोच रहे थे कि रोड पे खड़े होने से अच्छा है कि हम एटलीस्ट कहीं तो अंदर जाए, सोना है, 10 बज गए हैं, सुबह से दिन इतना हैक्टिक रहा है, इतनी परेशानियां हमें झेलनी पड़ी है, जैसे कि आपने सुना कि सब पैसेंजर्स ऐसे बोल रहे थे, एंड मेरा ऑलमोस्ट कैमरा हर जगह ऑफ था, अगर मैं पूरी जर्नी रिकॉर्ड करने पे आती तो ये पूरी वीडियो कम से कम 3-4 घंटे की बन जाती है, एंड पूरी की पूरी नेगेटिव।
तो चलो ठीक है ये हुआ। एंड देन उसके बाद इन्होंने पहले मुझे शेयरिंग रूम में अकोमोडेट कर दिया था विद टू अदर फीमेल्स, एक डॉटर थी एंड उनकी एक मदर थी, दो फीमेल्स थी, उसके साथ एक्स्ट्रा बेडिंग थी उस रूम में, तो पहले वहीं पे अकोमोडेट कर दिया था। बाद में आके कुछ आधे एक घंटे बाद आप कहते कि ऊपर एक रूम खाली है, आपको आपकी प्राइवेट सिंस आपका एक सेपरेट रूम की बुकिंग है क्योंकि आप अकेले हो एंड ऑफकोर्स मैंने एक्स्ट्रा पे करा हुआ है, तो आप वहां चले जाओ। एंड वो रूम की कंडीशन इतनी घटिया थी, मतलब बेसिक क्लीनिनेस नाम की कोई चीज नहीं थी, बड़ा रूम नहीं मांग रही मैं, कोई लग्जरी नहीं मांग रही हूँ, मैं माउंटेन्स में रही हूँ, मैंने ट्रैवल करा है, मैंने बजट में ट्रैवल करा है एंड मुझे किसी लग्जरी की उम्मीद नहीं थी कि कोई लग्जरियस रूम मिलेगा। मैं सिर्फ बेसिक क्लीनिनेस चाहती थी कि एक अगर छोटा सा रूम भी आप दोगे मेरे लिए फाइन है, बट इट शुड बी क्लीन, अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। वो क्लीन नहीं था, मेंटेन नहीं था जो भी उन्होंने मुझे रूम दिया इवेंचुअली। एंड मैं वहां पे फिर ना रहकर मैंने कहा कि जो वो दो अदर फीमेल्स है जिनका वो रूम था एंड एक एक्स्ट्रा बेडिंग थी वहां पे कि मैं यहीं पे सो जाती हूँ, कोई बात नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं। मैंने अब तक शेयरिंग टैक्सी में, आपको पता है मैंने हर जगह शेयरिंग टैक्सी में ट्रैवल करा क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, तो लद्दाख हुआ, स्पीति हुआ, मतलब कहाँ कहाँ नहीं हुआ, हर जगह मैंने शेयरिंग टैक्सी में ट्रैवल करा है, बट आज तक का मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस कहीं का नहीं रहा, कहीं का भी नहीं, पूरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा ही नहीं है। बट सिक्किम में तो हदे पार हुई है, बहुत हदे पार हुई है लिटरली। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को करते हैं एंड, एंड आज का दिन बहुत बुरा रहा है बट इट्स ओके। कल हम काफ़ी कुछ विजिट करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एंड अभी तो मैं बहुत टायर्ड हूँ यहाँ पे, अभी पता नहीं डिनर भी करेंगे या नहीं कि मेरे को जो सिनेरियो लग रहा है ऑलरेडी 10:30 हो रहे हैं रात के एंड किसी की भी भूख अभी खाने की, अब किसी को भी भूख तो रही नहीं खाने की, तो मुझे नहीं लगता खाना भी होगा, तो सोते हैं। ऑल्दो वो खाना प्रोवाइड करेंगे होटल वाले, उनकी कोई गलती नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है एंड सोती हूँ फिलहाल अभी, कल मिलती हूँ आपसे, टिल द एंड टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।